हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेस्ट फेस्ट। आज हम बनाने वाले हैं साउथ इंडियन स्टाइल टैंगी फिश करी। चलिए इसे बनाना शुरू कर लेते हैं। ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। सबसे पहले एक मिक्सर जार में मैं ले रही हूँ 10 से 15 लहसुन और अदरक, ग्रीन चिलीज, हाफ कप ग्रेटेड ड्राई कोकोनट, साथ में 4 से 5 पके हुए टमाटर के क्यूब्स ले रही हूँ। इन सारी चीजों को अच्छे से हम फाइन पेस्ट बना के तैयार रख लेते हैं। पेस्ट बन के तैयार है। अब देखते हैं सूखे मसाले, धनिया पाउडर, हल्दी, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला पाउडर और सॉल्ट। मैंने लिया है पॉम्फ्रेट, इन्हें 3 पीसेस में कट कर लिया है। अब एक पैन ले लेते हैं 1/4 कप ऑयल। इस रेसिपी में थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल जाता है, तभी फिश करी को बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ऑयल गर्म होने के बाद डाल रही हूँ ग्रीन चिली और करी लीव्स। अब डालते हैं कटे हुए प्याज। ऑनियन को स्लाइटली गोल्डन होने तक हम हाई फ्लेम में चलाते रहेंगे। ये बनके तैयार है। स्लाइटली ब्राउन हो चुके हैं ऑनियंस। अब इसमें डालते हैं प्रिपेयर किया हुआ मसाला पेस्ट। अब मसाला पेस्ट को अच्छे से ऑयल छूटने तक हमें फ्राई करना है। इसी प्रोसेस में मैं डाल रही हूँ सूखे मसाले। सूखे मसालों को भी मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करते हुए भूनेंगे। जरूरत पड़ने पर हल्का सा पानी छिड़क सकते हैं, पर हमारा मसाला पेस्ट अच्छा मॉइस्ट है, इसलिए पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ऑयल सेपरेट हो रहा है, मसाला पेस्ट अच्छे से भून के तैयार है। इस तरीके से हम मसाले को छुड़ाते हुए भूनते हैं। अब इसमें डाल रही हूँ कट किया हुआ फिश पीसेस। मैं इसमें पॉम्फ्रेट फिश की यूज कर रही हूँ। आप कोई भी फिश से इस करी बना सकते हैं। हल्के हाथ से एक बार फ्लिप करेंगे। मसाला फिश को अच्छे से कोट होना चाहिए। जैसे मिक्स किया है, पीसेस सारे मसाले से कोट हो चुके हैं। अब कवर करके लो फ्लेम में 5 मिनट तक इन्हें सिम करने रखेंगे। 5 मिनट में फिश पीसेस 50% पक चुके हैं। अब इसमें डाल रही हूँ ग्रेवी के लिए इमली का पानी। मुट्ठी भर इमली को मैंने गर्म पानी में सोक किया है, वही पानी मैं यूज कर रही हूँ। इससे बहुत ही अच्छा खटास फ्लेवर आता है। साउथ इंडियन फिश करी में ये इमली का पानी यूज करना कंपलसरी है। इसका टेस्ट फिश करी के बहुत ही अच्छे से ब्लेंड होता है। हल्के हाथ से हमने मिक्स किया है, पीसेस को ग्रेवी में अच्छे से स्प्रेड किया है। अब कवर करके और 5 मिनट बॉईल आने तक रुकेंगे। बॉईल आ चुका है। आप टेस्ट करके सॉल्ट एडजस्ट कर सकते हैं। हमारा साउथ इंडियन स्टाइल में फिश करी बनके तैयार है। इसे फिनिश कर लेते हैं फ्रेश कोरिएंडर से। अच्छे से फिश पक के ऑयल फ्लोट हो रहा है, ये परफेक्टली बनके तैयार है। चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। ये फिश करी राइस के साथ बहुत ही मजेदार लगता है। आप एक दिन पहले ही बना के इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अगले दिन इसका स्वाद लाजवाब होता है। ये बहुत ही सिंपल और टेस्टी रेसिपी है। बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। ये रेसिपी आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए टेस्ट फेस्ट को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।